उत्तराखंड में कोरोना जनता रिपोर्ट के लिए भटक रही और कोरोना सैंपल कबाड़ी के पास पहुंच गए। 30 बड़े बोरों में जांच के सैकड़ों सिरिंज को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने बरामद किया। कोरोना को लेकर इस जगह फैली दहशत के बीच हल्द्वानी में एक कबाड़ी के गोदाम से कोरोना जांच के सैंपल मिलने से सनसनी मच गई। 30 बड़े बोरों में जांच के सैकड़ों सिरिंज को स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने बरामद किया। देर रात तक स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीम गोदाम में पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी रही। अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। एसपी सिटी डॉक्टर जगदीश चंद्र और सीओ शांतनु पराशर बुधवार शाम शहर के भ्रमण पर निकले थे। किसी ने उन्हें सूचना दी थी कि बरेली रोड पर कबाड़ के गोदाम में बायोमेडिकल वेस्ट खरीद कर रखा गया है। इनमें कोरोना जांच की सीरिंज और अन्य सामान है। जब छापा मारा गया तो वहाँ 30 बोरों में सीरिंज सहित बायोमेडिकल वेस्ट भरा मिला। सिटी मैजिस्ट्रेट रिजा सिंह ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे। पुलिस का कहना है कि ऐसे सिरिंज से कोरोना महामारी का खतरा बढ़ सकता है। कोरोना महामारी की आशंका के चलते पुलिस ने सामान गोदाम से उठा लिया है। गोदाम मालिक को हिरासत में भी ले लिया गया है। पुलिस ने गोदाम को सुरक्षा घेरे में ले लिया है। बड़ा सवाल ये उठता है कि बायोमेडिकल वेस्ट कहां से आया। विशेषज्ञों की अगर माने तो सामान्य तौर पर बायोमेडिकल वेस्ट के भंडारण आदि करने की अनुमति नहीं मिलती है। ऐसे में अधिकारी वेस्ट की जगह का पता लगाने में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क के लिए परवीन ऋषिकेश।